प्रॉब्लम्स क्या 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 कहता 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 है uh, कहता है कहता है अगर इस को ना है प्रॉब्लम 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 अगर जिसने वो देखी है ना, वो उस, इस बंद, उस बंदे को ये समझ आ जाएगा बड़े आराम से ठीक है तो उस मूवी से रिलेशन कैसा है? ऐसा है सवाल कहता है कि मान लो पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि इस, इस के अंदर ऐसा है ना लो एन लोग दे रखे लेट इट बी की एन परसन क्या है पर्सन इज लाइक छह सात लोग या आठ लोग जो भी है तो लेट इट बी मैं मान रहा हूँ पांच लोग दे रखे हैं। ठीक है और सवाल कहता है आपको पांच लोग दे रखे होंगे और आपको एक के की वैल्यू दे रखी होगी और ये पांच तो लोग हैं और के क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ ठीक है तो जैसे जब आपने वो वो वाली मूवी देखी ना कि वेलकम मूवी में क्या होता था लास्ट वाला एंडिंग सीन क्या होता था वो गाना बजता था

ता ज्यादा ज़ूम क्यों रखा है ये बहुत ज्यादा ज़ूम है ये क्यों है ऐसा को मिनिमाइज ओके ओ ओके आई गॉट इट आई गॉट इट आई गॉट इट आई गॉट इट

टू सेकेंड ये इसको मार देगा ठीक है समझ आ रहा है मतलब ये, ये जो वन है ना मतलब आपने स्टार्ट करना है आपको जीरो मतलब जो आपका फर्स्ट पर्सन है ना उससे स्टार्ट करना है तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन सा है जीरो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा फर्स्ट पर्सन है वो जीरो है तो जीरो जो फर्स्ट पर्सन है उससे स्टार्ट करना है और हर केथ पर्सन को मार देना है हर केथ पर्सन को मार देना ठीक है, है तो मान लो आपने

और जीरो है तो कौन सा बंदा मरेगा यहाँ पे किसको चाकू जीरो, जीरो को तो जीरो वाला एलिमिनेट हो जाएगा अब जीरो वाला खत्म हो गया ठीक है अब वापस से क्या होगा अब चाकू किसके पास जा चला जाएगा हर हर इटरेशन में क्या होगा ना हर बार क्या होगा देखो एंडिंग क्या है सवाल की ये यह यहाँ से समझ आएगा मैं अभी पूरा सवाल ही एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक है तो अब क्या होगा कि जो बंदा मरा उसके बाद जो बचा उसके हाथ में चाकू आएगा ठीक है अब कौन बचा वो है मतलब जो उसके बाद कौन सा खड़ा हुआ है वो फर्स्ट खड़ा है तो नाइफ की नाइफ ना उठ के इस बंदे के पास आ जाएगा ऐसे इसको समझो पुराने टाइम पे ऐसा होता है मान मान लो लो कि लो आप एक आर्मी में हो आप एक फौज में हो ठीक है और आपको दुश्मनों ने घेर लिया अब आप क्या चाहते हो आप आप में से आप ऐसा है कि दुश्मनों ने आपको घेर लिया अब आप बोलोगे कि हम तो वो हैं हम किसी के हाथों नहीं मरेंगे हम खुद मर जाएंगे आपस में एक दूसरे को मार देंगे लेकिन आप में से एक इंसान ऐसा है वो बोलेगा यार मुझे नहीं मरना तो वो क्या करेगा ना वो अपनी सेफ पोजीशन ढूंढेगा अब सेफ पोजीशन का मतलब क्या है वो अभी समझ आएगा ठीक है मतलब ऐसा हो ऐसा रहा है कि ये लोग आर्मी में है आर्मी के लोग खड़े हुए हैं लेट इट बी आर्मी के लोग खड़े हैं वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और उनकी शर्त है कि वो के पोजिशन को छोड़ के एक दूसरे को चाकू मार देंगे चाकू मार देंगे चाकू मार, मार देंगे ठीक है वैसे ही यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे वापस आते हैं यहाँ पे दिखाते हैं तो पे क्या था जीरो के बाद चाकू आएगा फर्स्ट के हाथ में तो फर्स्ट वाला आप किसको मारेगा अपने से अपने से तीसरे वाले बंदे को तो दो तो ऑलरेडी मर चुका है वो तो जिंदा नहीं है अब बचा कौन फर्स्ट थर्ड अब कौन सा मरेगा अब किसको चाकू मारेगा वन जाके किसको चाकू मारेगा फोर फोर को, को चाकू मारेगा क्यों टू तो ऑलरेडी मर चुका है उसके बाद वो क्या करेगा अपने आप को इंक्लूड करके हर तीसरे बंदे को मारना है ठीक है तो चाकू अब वन के हाथ में था तो वन जाके मारेगा ती, वन अपने आप को इंक्लूड करेगा तो एक दो और तीन चार को मार देगा ठीक है अब क्या मर गया चार वाला मर गया अब बचा क्या अब जो गेम में बचा हुआ है अब किसके हाथ में चाकू वापस से आएगा जो मरा उसके बाद वाले के हाथ में वापस से चाकू आ जाएगा तो चाकू उठ के वापस से वन के पास आ जाएगा

ये वन है वन क्या बोलेगा मेरी पोजीशन वन है अब देखो सर्कल में बचा कौन सर्कल में बचा वन और सर्कल में बचा थ्री ठीक है तो चाकू किसके हाथ में था लास्ट में जो मरा वो था फोर फोर के बाद आया चाकू के हाथ में है ठीक अब मारेगा क्या वन हर, तीसरे बंदे को मारेगा, हर तीसरे बंदे को मारेगा तो तीसरा बंदा होगा कौन देखो वन फिर वन के बाद जाएगा टू तो ये दूसरा हो गया अब वापस से सर्कल है सर्कल में वापस से जाएगा तो घूम के किसके पास आ जाएगा चाकू एक ही के पास ना तो उसको खुद को अपने आप को मारना पड़ेगा ये बात समझ आ रही है तो अब बचा कौन सा बचा कौन सा थर्ड वाला बंदा तो थर्ड वाली पोजीशन ऐसी है ना उस पोजीशन में अगर जो भी खड़ा होगा ना वो बच जाएगा वो बच जाएगा वो वो नहीं मरेगा ये बात समझ आ रही है yes, ये

अब लेते हैं मान लो एन की वैल्यू आपको एट दे रखी है के की वैल्यू मान लो फोर है ठीक है कहा गया एन की वैल्यू एट के की वैल्यू फोर और आगे क्या ये जीरो इज इट क्लियर एन की वैल्यू आपको एट दे रखी है के की वैल्यू फोर है मेरी स्क्रीन दिख रही है कितने लोगों को पहला टेस्ट के समझ आ गया कितने लोगों को पहला yes, टेस्ट के समझ आ गया यस सर yes, ठीक है अब देखो N 8 और K 4 का मतलब क्या है क्या होगा सर्कल में आठ लोग खड़े हैं मतलब पूरी आर्मी के आठ लोग खड़े हैं तो आठ लोग ड्रॉ कर लेते हैं और मैंने जीरो तो ऐसे आठ लोग खड़े होंगे सर्कल में होगा क्या चाकू जो है वो पहले वाले इंसान के हाथ में होगा पहले वाले इंसान के हाथ में तो ये जीरो वाला इंसान वो है वो मेरा पहला इंसान है तो उसके हाथ में चाकू है ठीक है अब वो क्या करेगा खुद को इंक्लूड करके के वाले बंदे को मार देगा मतलब वो हर एक में आपको के, के को मारना है तो जीरो वाला इंसान जो खुद को इंक्लूड करेगा तो वो पहला एक काउंट हो गया फिर वन फिर टू और थ्री थ्री वाला मर जाएगा कितने लोग को ये बात समझ आ रही है कितने लोग को ये बात समझ आ रही है तीसरा बंदा जाएगा नहीं जाएगा सर yes तीसरा बंदा जाएगा नहीं जाएगा अब उसके बाद चाकू जो उठ के आएगा वो किसके पास आएगा अब वो आएगा फोर के पास क्योंकि जो मरता है मुझे चौथे को मारना है चौथे को मारना है तो चौथा ये है चौथा बोलेगा मैं पहला पांचवा दूसरा छह है वो मेरे लिए तीन है और सेवन जो है वो मेरे लिए क्या है वो चार है तो जाके सेवन को मार दो समझ आ रही है ये मर जाएगा कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है एक दो तीन चार के 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 एक वर्ष फोर है ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी तो हर चौथे बंदे को मारना है तो सेवन अब सेवन जैसे ही मारा वापस से चाकू किसके हाथ में आ गया वापस से चाकू जीरो के हाथ में आ गया अब जीरो मारेगा वापस से फोर्थ बंदे को कैसे मारेगा जीरो वन टू अब थ्री तो मर चुका है अब मर जाएगा वापस से फोर फोर मर जाएगा ये बात क्लियर है ये बात क्लियर है अब चाकू वापस किस से किसके हाथ में आएगा ब्लैक से चाकू को ड्रॉ कर दे रहा हूँ नाइफ लिख दे रहा हूँ नाइफ आ गया इसके हाथ में अब नाइफ जो है जो नाइफ है वो अब किसके हाथ में है वो फिफ्थ के हाथ में है तो फाइव किसको मारेगा जाके चौथे अपने अपने फोर्थ पर्सन को उसका फोर्थ क्या है फिफ्थ का फोर क्या है फाइव का फोर क्या है अरे कुछ तो बोल दो तू. तू कैसे होगा हाँ सॉरी टू ही होगा टू हो, सॉरी सॉरी फाइव खुद को इंक्लूड करेगा एक दो तीन चार वन होगा वन मारेगा वन गया ये खत्म अब जैसे ही जो हमारा चाकू उसके दूसरे बगल वाले के हाथ में बगल वाला जिंदा कौन सा इंसान है बगल वाला मुर्दा नहीं जिंदा जिंदा जो जिन्दा है मुर्दा थोड़ी ना उठ के मारेगा तो बगल वाला जो भी नेक्स्ट उसके उसके जिंदा खड़ा है हाथ में चाकू थमा दिया जाएगा तो चाकू आ गया नाइफ के नाइफ आ गया सेकंड के हाथ में ठीक है तो अब सेकंड पर्सन बोलेगा कि मुझे बताओ अब कौन मरने वाला है तो बोलेगा कि ठीक है देख लो कौन मरने वाला है तो नाइफ आया सेकेंड के हाथ में सेकेंड बोलेगा कि जो मरने वाला है वो है कौन टू जाएगा मेरा एक मैं हूं दूसरा अब कौन सा आएगा ये दोनों तो मर चुके हैं फाइव तीसरा जिंदा है तो तीन, और अब जाके जो मरेगा वो जीरो जिंदा था वो मरा नहीं था तो जीरो को जीरो मर जाएगा इज इज इट इट क्लियर क्लियर यस यस सर सर उसके बाद अब चाकू किसको मिलेगा चाकू किसको मिलेगा जो मरा उसके जस्ट बाद में कौन खड़ा कौन है उसके बाद जीरो के बाद कौन है जिंदा जो जिंदा हो खड़ा हो अभी कौन खड़ा है टू ही है तो टू के हाथ में वापस से चाकू आ गया अब चाकू आया टू के हाथ में टू बोलेगा वापस से अपने अपने चौथे बंदे को मारना है तो चौथा कौन सा होगा टू दो तीन और तो खुद को मारना पड़ेगा और कोई है ही नहीं तो टू अपने आप को मार देगा अब चाकू जो जिंदा है टू के बाद वो कौन है फाइव है तो नाइफ उठ के आएगा किसके पास ये आ जाएगा फाइव के पास तो अब नाइफ उठ के आया यहाँ से उठ के नाइफ की जो पावर है जो चाकू है अब वो आ चुका है इसके पास ठीक है अब यहाँ फाइव के पास नाइफ है तो आप फाइव अपना चाकू लेके निकलेगा किसको मारेगा तो बोलेगा एक दो और जिंदा कौन है और जिंदा कौन है क्यों अब सर्कल में सर्कल में बचे क्या क्या फाइव और सिक्स बचा दो बचे हैं इंसान दो इंसान में से चाकू जिसके हाथ में वो देख लो नाइफ ये रहा इसके तो चार चार वाले, चार वाले मूव करने तो पहला एक फिर दो फिर तीन और फिर चार तो मर जाएगा तो अगर आप पांचवी पोजीशन पे खड़े हो तो आप नहीं मरेंगे तो जो सोल्जर है जो ग्रेडी था जिसको जो अपने जिसको लाइफ जीनी थी वो बोलेगा कि अगर मैं फिफ्थ पोजिशन पे खड़ा हो जाऊं तो मैं बच जाऊंगा तो ऐसा आपको हर आपको ऐसा बताना कि कौन सी पोजीशन पे की वो जिंदा है प्रॉब्लम में क्यों लग रहा है वो कैसे हम देखेंगे देखो उसको देखने का बड़ा आसान सा तरीका है वो हम समझते हैं पहले रिकर्जन क्यों आया हमारे दिमाग में रिकर्जन हम रिकर्जन क्यों लगा रहे हैं रिकर्जन का क्या इंपॉर्टेंस आ रहा है यहां पे हम तो कुछ ऐसा किए नहीं चलो तो देखते हैं रिकर्जन कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है ठीक है तो देखो यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअली अगर मैं मान लो एक छोटा वार से एक टेस्ट केस वही n 5 वाले टेस्ट केस पे आते हैं जस्ट अ मिनट

कि अगर आपको ये रिकर्जन का फील कैसे एक, बार -बार मतलब एक, एक चीज अच्छा, और मुझे पूछना था एक चीज बताओ अच्छा रिकर्जन जब हम लिखते हैं ना रिकर्जन का कोड लिखते हैं तो रिकर्जन में हम सबसे पहले बेस केस लिखते हैं बेस कंडीशन तो कितने लोगों को यहाँ पे बेस कंडीशन समझ आ रहा है बेस कंडीशन का मतलब होता है वो कंडीशन जहां पे जाके आपका कोड रुक जाएगा कितने लोगों को ये कंद, बेस कंडीशन पता है इसके लिए बेस कंडीशन कौन बताएगा इस प्रॉब्लम हां क... नहीं नहीं तुमने कर रखा है इसलिए तुमसे नहीं पूछूंगा बाकियों ने जो अभी समझ रहे हैं उनमें से बेस कंडीशन कौन बताएगा n 1 पे शायद यस n 1 पे तो ये बेस कंडीशन क्या होगी इस इस बेस कंडीशन का मतलब क्या अगर एन की वैल्यू वन है one की one का मतलब क्या है? अगर मान लो एक ही बचा अगर एक ही शोल्डर uh, बचा तो उस केस में आपको क्या करना है मान लो या फिर एन की वैल्यू वन ही आई एक ही पीपल आया पूरी लड़ाई में मान लो जो शोल्डर uh, uh, था वो एक ही बचा था तो अगर एन की वैल्यू है एक ही आदमी है तो उसके लिए आप क्या रिटर्न करोगे कौन सी पोजीशन सेफ होगी जीरो ना जीरो तो पोजीशन जिस पोजीशन से स्टार्ट किया तो उसने मैं अगर वन बेस इंडेक्सिंग है तो वन रिटर्न करूंगा समझ आ रहा है फर्स्ट पोजीशन मतलब समझ रहे हो ये बात जीरो या वन रिटर्न करूंगा जिस जिस बेस जो जिस बेस की इंडेक्सिंग होगी ये बात समझ आ रही है ये बात समझ आ रही है बेस कंडीशन का मतलब क्या होता है बेस कंडीशन जब मैं फैक्टोरियल का कोड लिखता था फैक्टोरियल में मैं एक बेस कंडीशन लिखता था फैक्टोरियल की बेस कंडीशन क्या होती थी अगर मेरा एन अगर जीरो हो जाए या एन जो है वो ग्रेटर देन वन हो ग्रेट ओ सॉरी लेस देन इक्वल टू वन हो तो रिटर्न जीरो कर दो ये मेरी बेस कंडीशन होती थी ना जहां पे मेरा रिकर्जन का कोड ब्रेक करता था तो मुझे यहाँ पे भी एक बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना बेस कंडीशन का मतलब होता है जहां पे मेरा कोड ब्रेक कर जाएगा मतलब जो नॉर्मल हो तो अगर देख रहे हो मान लो एक ही इंसान आ रहा है मान लो वॉर वा, में ना एक ही इंसान बचा तो एक इंसान के लिए वो इंसान खुद को मारे मान लो के की वैल्यू यहाँ पे चार है तो इसका मतलब क्या होगा कौन सी पोजिशन सेफ है वन टू कोई है ही नहीं कंपेरिजन के लिए कोई है ही नहीं तो बोलेगा यही इसी पोजिशन पे खड़ा रहे कोई मरेगा ही नहीं कितने लोग को ये बात समझ आ रहा है बेस कंडीशन कितने लोग को समझ आ रही है जैस की मैंने हेलो मैं मैं आधे घंटे के बाद फोन करता हूँ ना ठीक 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 बात मैं कहता हूँ मैं करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो वापस आते हैं ये बेस कंडीशन कितने लोगों को समझ आ गई अरे कुछ तो बोलो उपेंद्र क्लियर है बेस कंडीशन सर ओके

थ्री था मैं हर तीसरे बंदे को मारना था चाहे मेरे पास एक बंदा हो चाहे मतलब वो मेरे लिए निश्चित है कि भाई उसको तो मारना ही मारना है तीसरे वाले बंदे को मारना है तो मान लो मैं यहाँ पे ना एक कंडीशन लिखता हूँ मान लो यहाँ पे क्या है ये ये जो मेरा कोड अब बचा ना इसके बाद मेरा जो कोड बचा वो क्या है वो ऐसा कुछ बच रहा है ऐसा कुछ का मतलब क्या कि ये जो मेरा ये जीर जीरो है उसके बाद जो मेरा बचा है वो वन है टू मर चुका है फिर मेरा बचा है थ्री और फिर मेरा बचा है फोर ठीक है तो ये क्या है एन की वैल्यू है यहाँ पे फोर के की वैल्यू है यहाँ पे थ्री ठीक है सिंपल 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 यही बचा ना एन की वैल्यू चार बच रही है के की वैल्यू तीन बच रही है के का वैल्यू है तब तीसरे इंसान को मारना है और गन किसके हाथ में वो सॉरी चाकू किसके हाथ में वो है नाइफ इसके हाथ में थर्ड वाले के हाथ में ये लेके मारने निकलेगा यही चीज बच रही है यही चीज बच रही है ना सर, ठीक है अगर मैं अगर मान लो कि अगर एन इक्वल टू फोर होता और अगर आप नेचुरल बनाते तो कैसा बनता मतलब अगर मान लो ये आपका फर्स्ट केस होता फर्स्ट कंडीशन होती है. तो आपका एक जीरो होता एक आपका वन होता एक आपका टू होता और एक आपका थ्री होता हो गए चार लोग चार हो गए और गन जो आपकी जो नाइफ है वो किसके हाथ में होती

अगर मैं इन दोनों इन दोनों चीजों के बीच में एक रिलेशन बना दू एक रिलेशन बना दू इन दोनों के बीच में मान लो अगर मान लो कि और अब मैं इसके लिए आंसर निकाल लू कुछ ठीक है और जो इसका आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा वो वो उसके उस केस उस में कितने बचेंगे तीन लोग बचेंगे और तीन लोग और के तो उसके लिए भी तीन सीमी रहेगा के एक वर्षो तीन एन एक वर्ष थ्री जब ये ये बंदा मार देगा ना खत्म कर देगा एक दूसरे को उसके बाद मेरे पास कितने लोग बचेंगे तीन लोग बचेंगे कि एक वर्षो थ्री फिर उसके लिए मैं आंसर निकाल लू जो आंसर मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि अभी अभी मैं विश्वास ये मान रहा हूँ मैं विश्वास करके ये बोल रहा हूँ मतलब चार लोग बचेंगे और चार लोग बचेंगे उनमें से जो मर जाएगा उसके बाद फिर तीन लोग बचेंगे तीन में से जो मर जाएगा फिर दो लोग बचेंगे उनमें से जो मर जाएगा फिर एक लोग बचेगा उनमें से जो बचेगा ना वही पोजिशन सेफ होगी मुझे ये बात पता है तो एक तरीके से रिकर्जन है एक के बाद एक चीज एक के बाद एक चीज एक के बाद एक चीज समझ रहे हो समझ रहे हो yes, yes, तो अब देखो पे क्या होगा अगेन यहाँ पे क्या होगा three है three है मतलब अगर मैं बोलू, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाने का कोशिश करूं मतलब मैं बोलू कि अगर नेचुरली अब यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है डिफरेंस समझ रहे हो यहाँ पे चाकू का ही डिफरेंस है यहाँ पे भी चार लोग हैं यहाँ पे भी चार लोग हैं डिफरेंस क्या है कि चाकू जो है वो तीन के पास है और यहाँ जो चाकू है वो किसके पास है वो जीरो के पास है दिख रहा है बस यही डिफरेंस है मान लो मैं ये ये डिफरेंस को अगर मैं सही कर दूं ये जैसे फैक्टोरियल से देखो फैक्टोरियल को विजुलाइज करो फैक्टोरियल का जब कोड लिखते थे फैक्टोरियल में मैं क्या करता था फैक्ट में फैक्ट एन माइनस वन को वा, वापस से दे देता दे था इसका मतलब क्या होता था वो बोलता था कि फैक्ट फाइव का जो आंसर है ना वो फैक्ट थ्री पे डिपेंड कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना कि जो मेरा ये जो मेरा ये जो मेरा कॉल है ना फाइव का मतलब जो मेरा आंसर है ना जो भी जो मैं बना रहा हूँ मतलब जो विनिंग स्ट्रेटेजी है मतलब या फिर पोजीशन वाली स्ट्रेटेजी मैं पोजीशन लिख दे रहा हूँ मतलब कौन सी पोजीशन सेफ है वो पोजीशन क्या है वो पोजीशन एन कॉमा के जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड डिपेंड कर कर रही 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 है 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 वो पोजीशन कॉमा के ऊपर कितने लोगों को ये बात समझ आ फैक्टोरियल से फैक्टोरियल से करो फैक्टोरियल में फाइव फाइव का आंसर किसके पास होता था फोर के पास होता था मैं मैं ये लिख सकता था फाइव इंटू फैक्ट ऑफ फोर जो भी होगा वही मेरा आंसर होगा ये मैं लिखता था ना ये, ये मैं लिखता था ना

वो मेरा आंसर होगा वो मेरा आंसर होगा तीन कॉमा तीन पे डिपेंड करेगा वो दो कमा तीन पे अब इससे जो आंसर होगा आ आ आ हो हो समझ लग गया चीज़ का फील आ गया इस चीज का फील आना इंपॉर्टेंट है बस इस चीज का फील आ गया आधा सवाल हो गया इस चीज का फील आ गया रिकर्जन लगने वाला ये चीज समझ आ गई रिकर्जन क्यों लगने वाला ये चीज यहाँ से ऐसे निकालनी है ये चीज समझ आ गई अब देखो आगे आगे क्या होगा आगे आगे बड़ी आसान सी चीज है आगे क्या होने वाला है वो सिंपल सा होने वाला है क्या मेरा जो ये चीज मैं जो लिख रहा हूँ ना यहाँ पे ये जो मैंने चीज लिख दी यहाँ पे पोजीशन एन कॉमा के और पोजीशन एन माइनस वन कॉमा के ये चीज मेरी सही है कि मेरे जो एन कॉमा के का आंसर है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन जो ये वाली चीज है ना वो डिफरेंट है इस वाली चीज से देख रहे हो

मैंने क्यों तो गलत, गलत हो रही है क्योंकि दोनों की पोजीशन ही गलत है जिसके हाथ में चाकू होना चाहिए वो अपने से तीसरे वाले को मारेगा आप चाकू की पोजीशन ही गलत हो गी? तो तो आंसर ही गलत हो जाएगा है ना तो मुझे एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करना है जो रिलेशन मुझे ये बता के दे कि आप इस आप कुछ मत करो आप सिर्फ फोर कॉमा इस नेचुरल इस के ने आंसर निकालो इस नेचुरल के आंसर निकालो और वो आपका आंसर इसके लिए बन जाएगा कैसे बनेगा आपका मरने वाला कौन है जब तीन के हाथ में चाकू है मरने वाला जीरो है ठीक है इसका मतलब क्या अगर मैं नेचुरल कंडीशन में बोलू तो देखो अगर मैं इनको रिलेट करू ना इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ तो एक्चुअली हो क्या रहा है चाकू किसके हाथ में तीसरे के हाथ में और चाकू वहां किसके हाथ में जीरो के हाथ में इसका थ्री उसके जीरो से रिलेट कर रहा है कर रहा है देख रहे हो और चाकू के बाद वाला चाकू के बाद वाला इंसान है अगला हाँ वाला तो जोरो रिलेट कर रहा है, अगला अगला है किससे रिलेट, किस रिलेट, किस रिलेट, रिलेट कर रहा है देख रहे हो जीरो टू से रिलेट कर रहा है और नेक्स्ट मरने वाला नेक्स्ट कौन है वन तो वन उसके किससे रिलेट कर रहा है चाकू किसके हाथ में था इसके हाथ में तो थ्री से रिलेट कर रहा है सॉरी 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 वन यहाँ पे ये यह है मेरा चाकू के फोर तो जीरो वन टू यहाँ थ्री से रिलेट कर रहा है ये चीज समझ आ रही है yes, yes अब ये इसका मतलब क्या है कि भाई आप आप एक काम करो एक नेचुरल इस इस कंडीशन के लिए ये जो आपका ये वाला था ना इसके लिए आंसर निकाल लो और उसमें हम कुछ एडिशन सब कर देंगे

वो मेरा वो मेरा वो मेरा क्या है वो मेरा क्या है वो मेरा कुछ नहीं है वो मेरा सिंपल है जो भी एन माइनस वन कॉमा के है ना प्लस के है वो मतलब मतलब क्या है इसके पास जीरो के हाथ में चाकू था नेचुरली जीरो के हाथ में चाकू था जीरो प्लस के कर दो वही आंसर होगा वही उसी के हाथ में चाकू होगा देख लो वन प्लस के कर दो के वैल्यू थ्री है फोर अब यहाँ पे देखो 1 K, अब वन प्लस के वन प्लस के ये तो गलत हो रहा है वन प्लस के के यहाँ पे कितना है तीन है टू प्लस थ्री होता है फाइव अब five, ये तो गलत हो गया लेकिन लोग बाग किस में खड़े हुए जैसे ही मान लो चार लोग हैं चार लोग जो वो सॉरी पांच लोग थे वो खड़े किस पोजीशन में थे वो खड़े तो वो सर्कल में थे ना तो ये कभी बियॉन्ड थोड़ी ना जाएगा अगर वो लाइन बाय लाइन ऐसे खड़े होते पांच लोग तो आपका जो चाकू है वो प्लस तीन होता तो अगले वाले के पास जाता लेकिन वो प्लस तीन में होगा क्या सर्कल में वापस रिपीट कर देगा समझ रहे हो ना तो सर्कल का वापस रिपीटेशन कैसे निकालूंगा मैं मॉडल से मॉडल विद एन

देखो मैंने बोला कि मैं अपना रिकर्जन जो कोड लिखता था रिकर्जन में, में में तो 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 रिपीट कर रहा हूं इस चीज को इसमें क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं वो चीज समझ आ रही है सर। उतनी चीज पता है अब देखो ध्यान से देखना ये देखो अगर मान लो ये नेचुरल कंडीशन होती है अगर मतलब नेचुरल मतलब कि आपको ऐसा दिया होता N 4 होता

Two मतलब क्या है जिसके हाथ में चाकू था उसके जस्ट बाद के बाद वाला चाकू के बाद के बाद तो मतलब तो जो चौथा इंसान है वो एक दो तीन चार ये मेरा चौथा है तो इंसान है वो किसके चौथे के साथ रिलेट कर रहा है चाकू के बाद चौथा कौन सा है एक दो तीन चार ये चौथा है तो ये रिलेशन अगर मैं इस इसको इसको मैं ऐसे में कन्वर्ट कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा मैं अपने क्या कर रहा हूं एक्चुअली मैं ट्राई क्या कर रहा हूं मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि जो मेरा नेचुरल कंडीशन थी ना अगर नेचुरल मतलब ऐसा कुछ आया होता तो मैं आंसर निकाल लेता आराम से मेरा जो कोड था वो सही चलता मतलब जो मेरा कोड चलता वो मेरा बिल्कुल सही चलता लेकिन मेरे पास आ ऐसा नहीं आ रहा है एक्चुअली आ कुछ ऐसा है मतलब ना वो भले ही N N, की चार है, K है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं रिलेट कर रहा हूँ नेचुरल फोर को नेचुरल मतलब अगर ऐसा आया होता ऐसा ही आया होता उसको मैं ऐसा बना रहा हूँ कैसे बनाऊंगा देखो इसका जीरो नेचुरल का जीरो इसके थ्री के इक्वल है थ्री के इक्वल है मतलब क्या है मैं कह सकता हूँ जीरो प्लस के है जीरो क्योंकि के की वैल्यू भी थ्री थी, थी। ये, इसका जो वन है ना वो इसके फोर के बराबर है मतलब इसका जो वन है ना नेक्स्ट वो इसका फोर है देख रहे हो यहाँ पे देखो इसका जो वन है ना ये वन जो है ना वो इसके फोर के बराबर है दिख रहा है वन को फोर दिख रहा है ये फोर दिख रहा है ये दिख रहा है यस yes, सर तो मैं कैसे यहाँ पे नेचुरल रिलेशन कैसे निकाल रहा हूँ वो देख रहा हूँ बस वो इंपॉर्टेंट है बस तो वन प्लस अगर मैं कर दू वो मेरा आंसर वो मेरा फोर दे देगा

कि घूम के वापस आ जाएगा तो अगर काउंट होना चालू हो गया मतलब चार लोग बचे ना चार लोग बचे अगर चार लोग बचे तो घूम के कैसे चलेगा एक को वो वो दो बार भी काउंट कर सकता तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे लूंगा कि वो मेरा घूम के वापस ना आ जाए तो फाइव का मॉडल करूंगा फाइव के साथ तो उसका मतलब क्या होगा अगर इसका इसका अगर सॉरी इसका इसका दूसरा मर रहा है ना तो उसका मतलब है इसका जीरो मर रहा है इसका जीरो मर रहा है देख लो ये रहा ये जीरो मर रहा है देख रहे हो तो वही मैंने चीज रिलेशन बना दिया अगर इसका तीसरा मर रहा है तो तीसरे का मतलब क्या है तीसरे का मतलब क्या है ये क्या है वन प्लस तो सॉरी दैट इज सिक्स मॉडल फाइव होता है वन तो देख लो अगर इसका थर्ड मर रहा है नेचुरल का थर्ड मर रहा है तो उसका मतलब क्या उसका वन मरेगा देख लो अगर उसका थर्ड मर रहा है थर्ड तो मतलब है लास्ट वाला तो उसका वन मरेगा ये चीज समझ आ रही है

बट जो नंबरिंग है ना वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब हो सकता है यहां पे जीरो हो यहां पे टू हो यहां पे फोर हो ऐसा बच रहा हो समझ रहे हो होंगे तो तीन ही ना तो yes, मैं sir. तो देख रहे हो मैं यहाँ पे रिलेशन मेंटेन कर दूंगा उस चीज का कि इसका जो जीरो वन टू मरेगा ना वो इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग में आंसर में निकाल दूंगा ये बात समझ आ रही है मतलब मान ले कि अगर इसके हाथ में इसके हाथ में चाकू होता इसके हाथ में चाकू होता और के की वैल्यू थ्री होती तो मरता कौन वन टू और थ्री ये खुद को मारता ठीक है लेकिन यहां पे मान ले चाकू इसके हाथ में होता इसके हाथ में चाकू है मारेगा किसको एक दो तीन इसको मारेगा सॉरी हाँ एक दो तीन इसको मारेगा सॉरी यहाँ पे टू मारेगा एक सेकंड हाँ हाँ आरे? नहीं ओ, तो एक सेकंड मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दी ने? हाँ हाँ मैं कर लूंगा मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिखती है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक सेकेंड यहाँ पे मैंने गलत क्या लिखा वो मैंने ये लिखा था हाँ देखो ये बनाता हूँ वापस से तीन के लिए तीन का मतलब ये जीरो होगा ये वन होगा और यहाँ का ही टू होगा ठीक है और इस केस में होगा ये नेचुरल है नेचुरल मतलब अगर बेस कंडीशन ही ऐसी आती कुछ ठीक है और यहाँ पे जो चार जो मेरे पास पांच लोग थे मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव मान लो इसमें से टू वाला मर गया था और फोर वाला मच गया था अब बचे और तीन ही चाहिए मुझे तो जीरो वन थ्री और ये भी मर गया था सॉरी कौन कौन को मार दिया मैंने टू को और फोर को मार दिया मैंने तो ये सर यहाँ तक होंगे

जो मैंने चार काटे थे ना चार के लिए लिखता हूँ यहाँ पे चार जो मेरे काटे थे चार में जो बचा था वो था जीरो वन और क्या बचा था और क्या बचा था और क्या बचा था जीरो वन थ्री फोर बचे थे जीरो वन थ्री फोर बचे थे जीरो वन थ्री और फोर ये कब बचे थे जब वो एन इक्वल्स टू फाइव के केस में एन इक्वल्स टू फाइव के बेस में जब जीरो के हाथ में चाकू था एन इक्वल्स टू फाइव के केस में जब जीरो के हाथ में चाकू था सॉरी कहाँ गया यहाँ पे सॉरी एन इक्वल टू फाइव केस में जब जीरो के हाथ में चाकू था तो जीरो वाले ने किसको मारा था जीरो वन और टू को मार दिया था ठीक है तो टू के बाद जो बचा वो ये जीरो वन थ्री बचे और नाइफ जो है वो इसके हाथ में ठीक है यही है, वैसे यही है? की नहीं थी अब मान ले कि एन इक्वल टू फोर और जीरो वो, वो चीज ना नेचुरल आ रही होती नेचुरल मतलब यहाँ पे एक जीरो होता यहाँ पे एक वन होता यहाँ पे एक टू होता और यहाँ पे एक थ्री होता ठीक है जीरो वन टू एक दो तीन चार ठीक है यही होते है? अब इसका जो थ्री है ना अब मान ले इसका मतलब क्या मान ले अगर इसके थ्री ने मारना चालू किया थ्री के बाद मरेगा कौन थ्री जो मारेगा ना इसका वो मारेगा थ्री मारेगा किसको अपने तीसरे वाले बंदे को तो तीन चार और जीरो, जीरो मरने वाला है ठीक है इस थ्री के अकॉर्डिंग जीरो मरने है. मैं एक ऐसा रिलेशन सेट कर रहा हूँ कि नेचुरली भी ना जीरो ही मरे कैसे मरेगा मान ले अगर ये नेचुरल कंडीशन होती तो नाइफ जीरो के हाथ में होता और जीरो जाके किसको मारता जीरो वन और टू मार टू को मारता ठीक है मैं क्या बोलूंगा अगर ये टू मर रहा है ना तो इस टू का मतलब क्या है, करेगा, तेरा answer आएगा, तू मरने वाला है लेकिन जो तेरा नेचुरल आंसर होगा वो क्या होगा वो नेचुरली टू नहीं मरा है वो मरा क्या है वो जीरो ही मरा है जीरो कैसे? वो कैसे पता करेगा तू वो बोलेगा तू बोलेगा टू प्लस थ्री मतलब प्लस के मोडिलो एन मोडिलो एन

उपेंद्र सर, देख भाई डाउट है तो पूछ ले डाउट हो तुम लोगों को नहीं मतलब समझ गए ना मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं एक नेचुरल चीज को ऐसा कुछ बना रहा हूँ क्योंकि देख रिकर्जन कोड को तो मैं चेंज नहीं कर सकता रिकर्जन में मैंने जो एक कंडीशन लिख दी मतलब मैं रिकर्जन कोड में क्या करूंगा मान ली मैंने जोसेफस एक फंक्शन बनाया होगा रिकर्जन होता क्या है एक फंक्शन को बार बार कॉल करना ठीक है तो इस जोसेफस फंक्शन को मैं वापस से कॉल करूंगा किस वैल्यू के साथ एक मुझे पता है एक इटरेशन में एन माइनस वन होगा और के सेम रहेगा इसके साथ करूंगा

वो चीज़ समझ आई लॉजिक समझाना था वो चीज़ समझ आई प्रॉब्लम और लॉजिक ये दोनों चीजें कितने लोगों को समझ आ गई करना कैसे वो एक बार ट्राई कर, करना आराम से नहीं होगा तो फिर मैं कोड दे दूंगा बट अभी कोड मत लो पहले खुद से करो फिर कोड दे कर देगा ठीक है कर पाओगे पाँच मिनट में समराइज करूं प्रॉब्लम को या फिर कर या फिर इतना सफिशियंट है यस सर आ गया किसी को किसी को पाँच मिनट में समझना है और एट लास्ट तो बोलो पाँच मिनट में समझाओ आ आ गया गया सर आदर्श आगे सर ओके okay, उपेंद्र बामिक क्लियर है सर बामिक यस सर इज इट क्लियर इज इट क्लियर और नॉट ओके ओके गेट इट ग्रेट तो अब देखो रिकर्जन रिकर्जन का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ तूफानी लिख दूंगा रिकर्जन का मतलब होता है कि मैं एक ही फंक्शन को बार-बार कॉल करूंगा जो फंक्शन बनाया हुआ है उसको बार-बार कॉल करूंगा लेकिन मैं उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दूंगा जिसके अकॉर्डिंग मान मान लो कि आपको ऐसा होता कि एक फंक्शन होता है जिसके अंदर ना आपको ना मान लो तीन ऐड करना होता ठीक है थ्री ऐड करना होता एक एक आपको एक क्वेश्चन दिया जाता कि जो भी पाँच से लेकर दस तक वैल्यू दे रखी पाँच मतलब एन वैल्यूज दे रखी हैं और हर वैल्यू के अंदर आपको तीन ऐड करना है ठीक है तो आप क्या करते आप बोलते कि मैं बार बार एक रिकर्जन कॉल करूंगा और उसके अंदर यहाँ पे प्लस में थ्री लिख दूंगा खत्म 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 तो जब भी उसको पास होगा वो प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, प्लस थ्री पास होगा तो वही चीज आपको यहाँ पे करनी है कि जब मान लो जब ये फोर कॉमा थ्री के लिए कॉल होगा ना फोर कॉमा थ्री के लिए जब कॉल होगा तो उसके अंदर प्लस कुछ और पास होगा अब जैसे ही फाइव के पास जब जाएगा ना तो उससे पहले जम्प जैसे फाइव थ्री होगा फाइव कॉमा थ्री पास कॉल करेगा फोर कामा थ्री को बोलेगा मेरा आंसर फोर कॉमा थ्री के पास है और फोर कॉमा थ्री बोलेगा मेरा आंसर थ्री कॉमा थ्री के पास है और थ्री कॉमा थ्री बोलेगा मेरा आंसर टू कॉमा थ्री के पास है और टू कामा थ्री बोलेगा मेरा आंसर वन कॉमा थ्री के पास है तो जैसे ही आंसर जंप करते 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 नीचे आएंगे वैसे ही एक बेस कंडीशन जो इनके लिए कॉल होना चालू हो जाएगा ये प्लस वाली प्लस वाली प्लस वाला वो बोलेगा ये तेरा आंसर है नेचुरल आंसर तो जो तेरा आंसर है

ठीक है तो चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं आगे चलते हैं अच्छा इतने दिन से क्लास नहीं हुई किसी ने किसी का कोई डाउट है अभी तक मतलब अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो बताओ यार अब तक तुम लोगों ने क्या कोई प्रॉब्लम्स कर रहे हो तुम लोगों को लग रहा हो कि हाँ इसमें मेरे को डाउट पूछना है तो वो आ, डाउट पूछ लो यार वो डाउट पूछ लो जो जिसका भी डाउट हो नेक्स्ट प्रॉब्लम यार कल करते हैं एक प्रॉब्लम आज के लिए सफिशेंट है इस पर थोड़ा दिमाग लगा लेना इसको थोड़ा दिमाग लगाना और कल के लिए मैं तीन चार प्रॉब्लम्स डाल दूंगा तो वो कर लेंगे क्योंकि मुझे अभी थोड़ा जाके थोड़ा सा काम करना है वो प्रोजेक्ट का मेरा पेंडिंग चल रहा है तो क्योंकि कल ही मेरी बैंड बजी हुई है बजाई थी मेरे बॉस ने वो बोल रहा था कि एक घंटे में ये करके दो तो अब वो ऐसे ही बोलते हैं एक घंटे में दो तो घंटे में तो ओ सॉरी सॉरी यार रिकॉर्डिंग चल रहा है ठीक <laughs> है तो ठीक है कोई बात नहीं तो हाँ मतलब ऐसा है कि मतलब वो रहता है यार थोड़ा सा काम वाम है मुझे काम कम्प्लीट करना है सो दैट्स वाय तो अब मुझे तुम ये बता दो कि आ, किसी का कोई डाउट्स है कोई किसी का कोई डाउट है वैसा कि किसी ने कोई लीड कोड पे सवाल तो? है जीएफजी का क्वेश्चन है सर बता बता प्रॉब्लम कर ले सर का ये लेकिन वो ठीक है एडवांस लेवल प्रॉब्लम है नहीं सर मीडियम है ठीक है रिमूव ऑल एडजेसेंट हां चाचा समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया स्ट्रिंग वाला है ना ये ओके ओके गॉट इट यस स्ट्रिंग रिमूव ऑल इट्स एडजेसेंट डुप्लीकेट कैरेक्टर रिकर्सिवली ओके ठीक है गीक्स फॉर गीक्स तो डबल ई कटा बिकॉजिंग कैरेक्टर्स ये गया जी के बचा फॉर में कुछ नहीं जाएगा फिर डबल ई गया ठीक है और ए सी ए ट्रिपल ए गया यहाँ से ट्रिपल बी जाएगा और यहाँ से फिर डी डी जाएगा सारा डी जाएगा तो बचेगा क्या वो बचेगा ए सी ए ए चला जाएगा ए सी ए सी ए और देन सी ओके गॉडरे गोडेक्ट तो यार ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सबके साथ समझेंगे फिर इसको देख अगर तुझे अभी समझ समझना है तो तू पाँच मिनट रुक जाना मैं तुझे एक्सप्लेन कर दूंगा बट सबके साथ समझेंगे मतलब मैं सबको समझाऊंगा ये अच्छा क्वेश्चन है ये मैं रख लेता हूँ कल या कल वाली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ अभी समझना हो तो, तो फिर मैं ऐसे अच्छा बाद में बता देना सब क्लास में तो बताऊँगा किसी और का कोई और किसी ने कोई कोर्ट शेफ कोर्ट फोर्स करा हो मेरे को आज बहुत मतलब आज मुझे

जो चेंजेस मुझे करने वो आपको अपने दिमाग लगा के करना था रेगर्जन का मतलब सिर्फ उतना था एक फंक्शन खुद को कॉल करेगा बस अब उसके अंदर क्या चेंज करना जैसे ये जो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या होगा कि आप ये इसमें ना सिर्फ पोजिशन पोजिशन आइडेंटिफाई करनी होगी कि कौन सी पोजिशन में अब पास करूँ जो खत्म करनी है मेरे को बस और बाकी कोड सेम रहेगा मतलब आप स्ट्रिंग को कॉल करोगे अंदर देखोगे इसके बाद से कौन सा कैरेक्टर है तो आपको वो पोजीशन बस कॉमन निकालनी है और इसके अंदर फिर कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर तो रिकर्जन का मतलब ये नहीं होता बहुत लोग इसको टफ समझ लेते हैं रिकर्जन को कि क्या ही है कुछ नहीं है एक, uh, है एक ये जो रिमूव रिमूव फंक्शन फंक्शन बस इसको को कॉल कर दो और इस रिमूव फंक्शन के साथ रिमूव के साथ कुछ रिमूव कर दिया मैंने एस अब एस के साथ मैं कुछ और पास करूंगा वो मुझे जो चेंजेस करना है वही मुझे दिमाग लगाना होता है बस और कुछ नहीं होता रिकर्जन में ठीक है

आ, ओके ओके तो चलो कोई बात नहीं वो भी डिस्कस करने हैं तो कल करते हैं उनको या तो उनको कर लेते हैं पहले क्योंकि सीव सेगमेंटेड सी अच्छा अच्छा टॉपिक है आता आता है बहुत जगह पूछा जाता है तो काम करते हैं उनको खत्म कर लेते हैं कल ठीक है और बाकी से पूछ लेता हैं ना यार तेरे फ्रेंड का अगर हो जा रहा है तो उससे इससे पूछ ले सर उस टाइम पे फोन लगाया था लेकिन उस टाइम के बाद में फिर बात ही नहीं हुई उससे तो उसके बाद में फिर मैं मैंने सर दूसरे टेस्ट सीरीज चालू कर दी थी जीएफजी एफ की तो उसको कर रहा हूँ अभी मैं स्टार्टिंग से देखो तो तुम लोगों को हाँ मुझे एक क्वेश्चन और कराना है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है वो वो एक्चुअली वो एरे का ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मिस हो गया है मतलब वो क्वेश्चन लिटरली बहुत सही क्वेश्चन है मैक्सिमम इंडेक्स चाहूँ तो मैं आज करा कराऊँ लेकिन आज कराने का मतलब नहीं है क्योंकि 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 तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और लिटरली ये क्वेश्चन अच्छा है मतलब अमेजोन वगैरह आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है मतलब अच्छा क्वेश्चन है इसको इसको जरूर ट्राई करना मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा एक यहाँ पे भी डाल देता हूँ इसको बढ़िया से ट्राई करना ये अमेजन अमेजन में आ रखा है पूरा प्रीवियस अमेजन क्वेश्चन है ठीक है तो उसको जरूर ट्राई करना जोसेफे प्रॉब्लम आई गेस तुम लोग को समझ आ गया होगा तुम लोग को अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो उस प्रॉब्लम के अंदर और बाकी किसी का कोई और डाउट है रेदर रेदर देन देन दैट द प्रॉब्लम तो वो कल का टारगेट रखते हैं कल रिकर्जन नहीं का क्वेश्चन नहीं करेंगे कल एक काम करेंगे ये जो मैक्सिमम इंडेक्स है इसको डिस्कस करेंगे और प्रीवियस जो चल रहा था हमारा क्या सेगमेंटेड सीव और सीव में जो क्वेश्चंस दे रखे थे वो करने आदर्श

तीन तीन वीडियोस बने हुए हैं तो उनमें से तू ये वाला वीडियो देख रुक जा चलिए हां सब में सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे रिकॉर्डिंग बहुत लंबा हो रहा है